हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। चलो आज मैं आपको ना रिवर्स करना सिखाता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है भाई रिवर्स करने की, एंड कोशिश करता हूँ यार जितना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि रिवर्स करना ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का काम है। सिर्फ मेरे बताने से आप लोग नहीं सीख पाओगे। सबसे पहले आपको आगे गाड़ी को ढंग से चलाना आना चाहिए, उसके बाद रिवर्स आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। थोड़ी सी घबराहट होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपको ORVM कैसे सेट करने हैं। अपने ORVM देखो ऐसे सेट करने हैं कि आपका ये जो पीछे का पोर्शन है ना, बस इतना सा विजिबल हो कि आप अपनी गाड़ी की बॉडी देख सकें, और हो सके तो थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लें ताकि आपको टायर का जजमेंट प्रॉपर हो सके। इस साइड वाला भी ऐसे ही सेट कर लें, ठीक है। और ये जो छोटे वाले जो मैंने लगा रखे हैं ना, ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर है। इसका काम क्या होता है कि ये मेरे टायर दिखाते हैं। जब मेरा जो मेरा ORVM है वो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ होता है थोड़ा, बट टायर विजिबल नहीं है, लेकिन इसमें से आप देखेंगे ना तो टायर विजिबल होगा नीचे की तरफ। इसको आप नीचे ऊपर कहीं भी सेट कर सकते हैं, तो ये काम की चीज़ है, लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी बात करते हैं, अब देखो IRVM भी सेट करना बहुत ज़रूरी है। शीशे को बंद कर लेते हैं, अदरवाइज़ बहुत साउंड आएगी बाहर की। शीशे को ऐसे सेट करना है कि प्रॉपर पीछे का आपका पूरा शीशा विजिबल हो ताकि आप देख सकें। और आपके पास अगर स्क्रीन लगी हुई है तो भाई वेल एंड गुड है, लेकिन साइड तो आपको देखनी ही पड़ेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्लच कंट्रोल भी यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ना पीछे मैं बैक करके दिखाऊंगा आपको, ये देखो पीछे पीछे जाएंगे और लेफ्ट साइड में बैक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रिवर्स करेंगे इजीली धीरे धीरे। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमें राइट में मूव करना है तो क्या हम स्टेयरिंग ऐसे करें, या हमें जब लेफ्ट में मूव करना है तो स्टेयरिंग ऐसे करें? नहीं जी, जैसे आप फ्रंट में गाड़ी को चलाते हो स्टेयरिंग राइट में मोड़ते हो तो राइट में गाड़ी जाती है, लेफ्ट में मोड़ोगे तो लेफ्ट में गाड़ी जाएगी। वैसे ही रिवर्स में भी सेम होता है, आपको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट में गाड़ी जाएगी, आपको राइट करेंगे तो राइट में गाड़ी जाएगी, ठीक है। अब देखो ORVM में मुझे दिख रहा है कि पीछे से एक रेडी आ रही है, तो मैं उस रेडी वाले को सबसे पहले निकल जाने दूंगा, उसके बाद बात करूंगा, ठीक है। ये देख रहे हो आप रेडी वाला आ रहा है, तो उस उनको निकल जाने दो, फिर हम बात करेंगे पीछे रिवर्स करने की, ठीक है। अब यहाँ पे ये अटक गए हैं तो हम कोशिश करते हैं, फिर सबसे पहले गाड़ी को थोड़ा सा आगे करेंगे ताकि अपने को स्पेस बन जाए, ठीक है। अब यहाँ से अपन रिवर्स करेंगे, पीछे आप देखना रेडी वाला है, मैं उसके जस्ट बगल से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। रिवर्स में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में हल्का हल्का क्लच रिलीज करना है, बस बिल्कुल धीरे धीरे क्लच रिलीज करो, पीछे देखते रहो, पीछे देखते रहोगे ORVM में, ठीक है। ब्रेक ले लो, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपने ORVM मेक श्योर कि आपने ORVM परफेक्टली सेट कर रखे हो, ठीक है। अब पीछे देखो रेडी से लग रही है नहीं लग रही है, सीधी निकल जाएगी, राइट में भी गाड़ी खड़ी है, ये भी आपको देखना। अब यहाँ पे स्लोप आ जाएगा तो आपको हल्का सा एक्सीलेटर भी लेना पड़ेगा, फिलहाल मैं नहीं दबा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब रिवर्स लेते रहेंगे, अब इस साइड में देखो गाड़ी खड़ी है तो हम हल्का सा लेफ्ट में दबाएंगे, पीछे देखते रहेंगे लगातार, ठीक है। फिर पीछे करेंगे हल्का सा स्टेयरिंग सीधा करेंगे, अब यहाँ पे स्टेयरिंग आपको सीधा करना है, ये हो गया सीधा, ठीक है। बिल्कुल सीधा सीधा चलते रहो, सीधा सीधा चलेंगे। अभी मैंने एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं दबाया क्योंकि देखो रोड एकदम प्लेन है, जहाँ पे स्लोप होगा वहाँ पे आपको जैसे फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर लेते हैं, अब यहाँ पे देखो ज़्यादा तेज गाड़ी को मत चलने दो, 5 की स्पीड में रिवर्स करना है। आपको लेफ्ट जाना है, सबसे पहले देखो लेफ्ट में, ठीक है। कैमरा आपके सामने है, कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। यहाँ पे ब्रेक मार लो, यहाँ से स्टेयरिंग काटना स्टार्ट करो, पहले 50% काटो। अब आपको 90 डिग्री, जैसे फ्रंट में मैंने सिखाया 90 डिग्री, वैसे रिवर्स में भी। अब यहाँ पे चढ़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे स्लोप है, तो हल्का सा एक्सीलेटर मुझे लेना पड़ेगा, हल्का सा एक्सीलेटर लिया, पीछे देखते रहेंगे, राइट साइड में भी देखेंगे, कोई आ तो नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा, आराम से गाड़ी हमने परफेक्टली रिवर्स कर ली है। अब हम गाड़ी को आगे चलाएंगे, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखो यहाँ पर है, यहाँ पे अगर मुझे रिवर्स करनी है, गाड़ी लगानी है उसके साथ में, तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाली गाड़ी जो है इसके सामने आप आ गए, ठीक है। पीछे का देखेंगे पोर्शन, ये आ गया। अब यहाँ से गाड़ी को
पूरा टिल्ट कर देंगे, पीछे देखते रहो, ठीक है? जहाँ आपको लगे आपकी गाड़ी लगने वाली है वहां पर आप स्टेयरिंग से कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे पीछे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, देखो पीछे भी गाड़ी खड़ी है, ठीक है? धीरे धीरे जाएंगे, हल्का सा, देखो मैं एक्सेलेटर ले रहा हूँ, आपको भी लेना पड़ेगा शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी रोड है, ठीक है? अब स्टेयरिंग को करेंगे बिल्कुल सीधा, ठीक है? स्टेयरिंग को करेंगे बिल्कुल सीधा और पीछे जाते रहेंगे और यहाँ पे गाड़ी स्टॉप कर लेंगे। मैंने रिवर्स किया अपने ORVM में देखा है, यहाँ पे गाड़ी को रोक लेंगे, ये परफेक्टली रिवर्स हो गया, हैंड ब्रेक लगा देंगे, खड़ी कर देंगे। तो दोनों चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है, आप कमेंट ज़रूर करना और बताना ज़रूर कि कैसी लगी मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो आपको कैसी लगी। देखो बताता तो हर कोई है, लेकिन प्रेजेंटेशन आई थिंक इम्पॉर्टेंट होती है, अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन कैसी लगी भाई बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।